आगामी 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस दौरान बाजारों में राखियों की मांग बढ़ गई है। हर खरीदार चीनी राखियों की जगह स्वदेशी राखियां खरीदना चाहते हैं। वहीं अब चीनी उत्पादों के बहिष्कार के बाद स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में वैदिक संस्था ने गाय के गोबर से राखियां सहित अन्य उत्पाद तैयार कर स्वदेशी बसों को बढ़ावा दिया है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। वैदिक संस्था ने वैदिक प्लास्टर, वैदिक कलर, वैदिक धूप, हवन कुंड और वेस्ट पेपर से बनी पेंसिल कैलेंडर तैयार की है, जो कि आजकल प्रधानमंत्री के कहे अनुसार आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहल है। ये सब उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। आपको बता दें कि वहीं वैदिक संस्था ने गोबर से राखियां तैयार की है। राखी को तैयार करने के लिए सबसे पहले गोबर को सुखाकर उसका बारीक पाउडर बनाया जाता है, फिर प्रीमिश मिलाकर सांचों से इन्हें अलग अलग आकार दिया जाता है और फिर सुखाकर प्राकृतिक कलर और रेशम का धागा लगाकर तैयार किया जाता है। वहीं इस साल राखी के विशेष पर्व पर वैदिक संस्था द्वारा तैयार की गई ये राखी देखने में सुंदर और आकर्षक है। नमस्कार, मेरा नाम करण सिंह है, मैं वैदिक ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और हमने कुछ गोबर से बने उत्पाद बनाए हैं। जैसे उसमें अभी हमारा त्यौहार आ गया है राखी का, तो इसलिए हमने पूरी तरह वैदिक राखी बनाई हुई है, पूरी तरह प्राकृतिक है, गोबर से बनी हुई है, पूरी तरह प्राकृतिक है और ये रक्षा सूत्र है, पूरी तरह गोबर से बना हुआ, रेशम की डोर लगी हुई है और इसमें डिजाइन अलग अलग से बनाए हुए हैं, पूरी तरह प्राकृतिक है। और ये हमारे पास वैदिक हवन कुंड है, वैदिक धूप अगरबत्ती है और ये हमारे पास वेस्ट पेपर मटेरियल की बनी हुई पेंसिल है। बस यही मटेरियल है हमारे पास, पूरी तरह प्राकृतिक है, वैदिक गोबर से बना हुआ है और इसमें हमने वनस्पति बीज डाले हुए हैं। जब डिस्ट्रॉय करना है तो उसको गमले में डाल के इसमें प्लांट्स लगाएंगे।